नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सबने लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। वसई पश्चिम के होली क्षेत्र में एक लोडिंग टेम्पो और एक्टिवा की भिड़ंत में एक्टिवा में सवार स्कूली छात्रा की हुई मौत। कल 24 जनवरी को दोपहर के 2:24 के आसपास वसई पश्चिम के होली क्षेत्र में दो अलग अलग दिशाओं से आ रहे एक लोडिंग टेम्पो और एक एक्टिवा बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत में एक्टिवा बाइक पर सवार स्कूली छात्रा जिसका नाम खुशी परब बताया गया है उसकी ऑन द स्पॉट जगह पर मौत हो गई। वहीं एक्टिवा चला रहा लड़का घायल हुआ जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में दोनों ही वाहन तेज गति में चलते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि घटना के लिए जिम्मेदार कौन है उसकी जानकारी तो पुलिस की जांच के बाद सामने आ पाएगी। इस घटना के बाद वसई पुलिस ने तुरंत ही घटनास्थल का दौरा करते हुए उस लड़की की शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं लड़के को अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया और साथ ही साथ वो टेम्पो उसको जब्त करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस घटना के दौरान वहां कई लोग घटनास्थल पर जमा हो गए जिससे मीडिया के दूसरे साथियों ने बात की, क्या कुछ उन लोगों का कहना था, सुनिए वीडियो में आगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सगळ्यांनी बोमी काढल्या त्याच्यामधून त्याच्या आणि नंतर मग त्याला उचलायला लागले, उचला असं सांगितलं। ते मावशी आले कुठून होते, असं आले का कसं आले ते टेम्पो कुठून आला ना, म्हणजे सुनेला तिला माहिती, सुनेला सांगते की तू मला सांगेल कुठून आला, दुसरा टेम्पो इथूनच आला वाटते आणि ते असे आले। अच्छा, हा टेम्पो इथून आला आणि ते फास्ट होते का रिक्षा, दोघं फास्ट होते का, आणि ते दुसऱ्या याच्यातले होते पंचवटी, कुठचे आहे कुठे ते विचारले का तुम्ही, कुठचे मुलगाला काय लागणार आहे ना, मुलगाला पण लागणार मग ही गाडी अशी आली का, हे टेम्पो टेम्पो आले असे आले ना, ही गाडी करून कोण टेम्पोवाला फास्ट होता का, बाईकवाला फास्ट होता का, बाईकवाला पोरी जागावरच हे त्याच्या काय कुठे लागला, कुठे पोरीला सगळं गेलं का, किती वर्षाची असेल ते मुलगी, कारण कारण तो खोरगा नाही, किती वर्षाची असं 20-22 असं मला वाटते, कारण दोघं भाई बहीण होते का, तो सांगत होता मी तुझी कोट तिकडे बसलेला त्याला पाणी दिला आता तो गेला निघता, ते सांगते त्या बाजूला माझी रिलेटिव्ह आहे, तो कोणाला सांगत होता माझी बहीण आहे, आता तो नक्की कोण फ्रेंड आहे सांगता येत नाही, हो तो सांगतो मी पंचवटीचा, मी आम्ही पंचवटीतून आले, मी रिलेटिव्हला बोलावले ते सगळे येतील सांगते, फोन केला त्यांनी त्याला तरी काय माहीत आहे इकडे काय झालं ते नक्की। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।